बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू सालार खान यूट्यूब चैनल, वेयर टुडे वी स्टार्ट द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 2 हम थ्योरी जो पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने मेरे साथ एंजॉय किया होगा। जी मैंने तो बहुत एंजॉय किया, खासकर जो आपका इक्विलिब्रियम का पार्ट होता है वो लोगों को ज़रा मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने अपनी पूरी कोशिश की उसको आसान बनाने की। थ्योरी उसको मैंने ज़रा बोरिंग किया, लेकिन फिर जो आपको एग्जांपल समझाए तो मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो देखें, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ फिज़िक्स फर्स्ट ईयर। चले 11 लिख देते हैं शॉर्टकट। और चैप्टर नंबर 2 की हम बातें कर रहे हैं जी, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम की। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। नंबर 1, टू वेक्टर्स लाई विद देयर टेल्स एट द सेम पॉइंट। व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड बाय 20 डिग्रीज, देयर स्केलर प्रोडक्ट हैज द सेम मैग्नीट्यूड बट चेंजेस डायरेक्शन। व्हाट इज द एंगल? डॉट प्रोडक्ट की रिलेटेड है, आपको पता है ए डॉट बी वुड बी ए बी कॉज ऑफ थीटा। कह रहे हैं कि वो थीटा बताएं कि अगर मैं उसके साथ 20 ऐड करूं, थीटा प्लस 20, सो वो देगा मुझे माइनस ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। अगर कोई थीटा है उस पर आपका डॉट प्रोडक्ट ए बी आ रहा है, और अगर फिर आप थीटा प्लस 20 करें तो वो माइनस ऑफ ए बी देगा। तो चले, पहला जो ऑप्शन है वो जीरो है, तो कॉज ऑफ जीरो क्या होता है? कॉज ऑफ जीरो तो वन होता है, तो इसका मतलब है कि इस पर आपका डॉट प्रोडक्ट ए बी देगा। सिमिलरली फिर अगर आप इसके साथ 20 ऐड करें, कॉज ऑफ 20 के साथ जो भी वैल्यू आता है, लेट सपोज 0.9 आता है, तो ये तो 0.9 ए बी आ गया, तो ये तो गलत हो गया जी। ठीक, बिल्कुल ठीक। दूसरा ऑप्शन है जी 60, सो कॉज ऑफ 60 आप फाइंड करें। कॉज ऑफ 60 से क्या आएगा जी? 0.5, कॉज ऑफ 60 इज 0.5, तो इसका मतलब है इससे आपका 0.5 ए बी आ गया डॉट प्रोडक्ट। 20 ऐड करें तो कॉज ऑफ 80 आ जाएगा, और कॉज ऑफ 80 से 0.17 आता है, इसका मतलब है 0.17 ए बी, तो ये भी गलत हो गया। सिमिलरली 80 जो ऑप्शन है, तो अगर आप कॉज ऑफ 80 के मैं इधर ही बात करूं, 0.17 ए बी आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल। अब अगर आप इसके साथ 100 ऐड करें, कॉज ऑफ 100, तो वो आता है नेगेटिव 0.17, तो देखिए जी, तो ये नेगेटिव 0.17 ए बी आ गया। तो थीटा यानी आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें, दैट थीटा इज इक्वल टू 8 डिग्रीज है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। और वो क्यों है कि 80 डिग्रीज पर 0.17 आता है, पर इसके साथ आप 20 ऐड करें तो 100 डिग्रीज पर नेगेटिव 0.17 आता है। द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। तो ये तो आपको बताया अभी तक 3 है, लेकिन किस तरह है? तो अगर आपका एक वेक्टर हो, वन वेक्टर, तो वो तो कभी भी जीरो रिजल्टेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर दो वेक्टर्स हो, दो अनइक्वल वेक्टर्स, तो अगेन वो कभी भी जीरो रिजल्टेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कुछ इफेक्ट दूसरे को कैंसिल कर देगा। जो लेट सपोज एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो बड़े का वो जितना छोटा हिस्सा है वो तो उसको कैंसिल कर देगा, लेकिन नेट तो कुछ ना कुछ रह जाएगा ना? बिल्कुल रह जाएगा। सो इसका मतलब है कि मिनिमम जो है, मिनिमम वो 3 इक्वल अनइक्वल फोर्सेस रिक्वायर्ड है, 3 अनइक्वल फोर्सेस रिक्वायर्ड होते हैं फॉर व्हाट, फॉर इक्विलिब्रियम मिनिमम। और टू इक्वल फोर्सेस फॉर व्हाट, फॉर इक्विलिब्रियम, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक। नंबर 3, इफ द रिजल्टेंट बिटवीन टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए इज ऑल्सो ऑफ मैग्नीट्यूड ए, देन द मैग्नीट्यूड, देन द एंगल इज व्हाट? तो आपको कह रहा है कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो भी ए है, F1 जो है वो भी A है, F2 जो है वो भी A है, तो थीटा कितना होगा उनके दरमियान? तो ये तो आपको ऑलरेडी जी प्रूफ कर चुके हैं, बार बार 120 डिग्रीज होता है, लेकिन किस तरह होता है? तो आपको बताया था जो फॉर्मूला है रिजल्टेंट का, वो होता है F1 स्क्वायर्ड प्लस F2 स्क्वायर्ड प्लस 2F1F2
कॉज ऑफ थीटा, जरा पुट करें जी, इसका मतलब है कि ए रिजल्टेंट ए है कि नहीं है, बिल्कुल है। फिर एफ वन भी ए स्क्वायर्ड, ये दूसरा भी ए स्क्वायर्ड प्लस टू ए स्क्वायर्ड कॉज ऑफ थीटा अंडर द रूट टू ए स्क्वायर्ड, ये भी आ गया ए इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर्ड प्लस टू ए स्क्वायर्ड कॉज ऑफ थीटा, आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। टू ए स्क्वायर्ड को मैं कॉमन लेता हूँ, वन प्लस कॉज ऑफ थीटा आ गया कि नहीं आ गया, ए स्क्वायर्ड अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, एक ए इस साइड पे भी है, ए इज इक्वल टू ए टू को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, टू प्लस टू कॉज ऑफ थीटा, ए ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड पर तो वन इज इक्वल टू टू प्लस टू कॉज ऑफ थीटा माइनस वन, माइनस वन इज इक्वल टू टू कॉज ऑफ थीटा, वन माइनस वन ओवर टू इज कॉज ऑफ थीटा, थीटा इज कॉज इन वर्स ऑफ माइनस वन ओवर टू इज 120 डिग्रीज, बार बार आपको करा चुके हैं। फोर्थ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू टू आई प्लस जे प्लस टू के, ए इज इक्वल टू टू आई प्लस जे प्लस टू के एक वेक्टर गिवन है और मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सो टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अगेन अंडर द रूट, क्या आएगा जी, टू टू आर फोर, वन और फोर नाइन, अंडर द रूट इज थ्री, ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखिए जी क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री न्यूटन, एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री न्यूटन, एफ इज इक्वल टू फाइव न्यूटन, एफ वाई कितना होगा, तो आपको पता है कि एफ क्या होता है जी, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होता है कि नहीं होता, अंडर द रूट बिल्कुल होता है, तो क्या आप इधर से फाइंड नहीं कर सकते, दोनों साइड पीछे स्क्वायर ले लें, तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और इधर से आप फाइंड कर सकते हैं कि एफ वाई वुड बी वाट, एफ स्क्वायर माइनस एफ एक्स स्क्वायर अंडर द रूट होगा कि नहीं होगा, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अंडर द रूट 25 माइनस 9 16 अंडर द रूट 4, एफ वाई इज इक्वल टू 4 इसका आंसर है। सिक्स देखे, अ मीटर स्टिक इज सपोर्टेड बाय अ नाइफ एज एट 50 सेंटीमीटर मार्क, मीटर स्टिक कितना होता है जी, 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपका 0 है, ये आपका 100 है, 50 सेंटीमीटर पर आपने इसको सपोर्ट किया हुआ है। RF hangs masses of 0.4 kilogram and 0.6 kilogram from the 20 centimeter. 20 centimeter per 0.4 kilogram ka mass aa gaya aur 80 centimeter per 0.6 kilogram ka mass aa gaya. Keh raha hai ki where should RF hang a third mass of 0.3 kg to keep the stick balanced. Ab dekhe 0.6 isko clockwise rotate karega aur ye 0.4 isko anti clockwise, lekin 0.6 zyada hai to ye net clockwise hoga. Ab keh rahe ek 0.3 ka mass aapke paas hai to usko kidhar aap suspend kare ki equilibrium mein rahe, to of course isko is side pe karna hoga taki wo balance kare. 0.3 इधर ही कहीं पर होगा, तो ये पोजीशन आपसे पूछ रहा है कि ये किधर करना है, तो अब देखे क्लॉकवाइज टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा जी, 0.6 वाला क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं प्रोड्यूस कर रहा, बिल्कुल कर रहा है, इसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये है 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, ठीक हो गया। सिमिलरली दिस इज इक्वल टू क्लॉकवाइज 0.4 एक प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं प्रोड्यूस कर रहा, बिल्कुल, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है 30, क्योंकि ये 0 से 20 पर है, तो इसका मतलब यहां से 30 पर है, और प्लस 0.3 आपने करना है जी, लेकिन एक्स डिस्टेंस पर, तो करें क्या आता है जी, आपको पता होगा ना यार, कैलकुलेशंस आप खुद करें अपने लिए, x वुड बी इक्वल टू व्हाट, 0.6 इनटू 30 माइनस 0.4 इनटू 30 एंड डिवाइडेड बाय 0.3, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा जी, ये डिस्टेंस मैंने इधर किया हुआ है, ये डिस्टेंस आ जाएगा जी 20 सेंटीमीटर, ये जाएगा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, लेकिन मैं आपको कहा था ये मोमेंट आर्म आपको शो कर रहा है, एंड मोमेंट आर्म इज फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये 20 सेंटीमीटर आ गया, जीरो से कितना है जी, जीरो से ये
30 सेंटीमीटर के फासले पर है, तो आपका जो आंसर है वो 30 सेंटीमीटर के पॉइंट पर आप उस 0.3 केजी के वेट को सस्पेंड करें या मास को। इधर मैंने वेट कंसीडर नहीं किया क्योंकि जीजी के साथ मैंने कैंसिल कर दिया शुरू से। सेवेंथ क्या कह रहा है जी, एएक्स 1.5 सेंटीमीटर है, एवाई नेगेटिव 1 सेंटीमीटर है। एएक्स 1.5 सेंटीमीटर है, एवाई नेगेटिव 1 सेंटीमीटर है, कह रहा है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखिए पहला ये एक्स है, ये वाई है, ये माइनस एक्स है और ये माइनस वाई, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो देखिए फर्स्ट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों x और y नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब देखिए ये कौन सा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, ठीक है जी। एट नंबर देखे, a डॉट a क्रॉस b, a डॉट a क्रॉस b क्या आएगा जी, तो करें जरा ए क्रॉस बी से कोई भी वेक्टर अगर लेट से सी आता है, तो सी मैंने आपको बताया था कि सी परपेंडिकुलर होगा ए के बी और सी परपेंडिकुलर होगा बी के बी। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनके डॉट प्रोडक्ट से जीरो आता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो है तो कॉज आता है और कॉज ऑफ 90 जीरो होता है। नाइन्थ क्या कहता है जी, two forces of magnitude 20 newton and 50 newton act simultaneously on the body, which of the following cannot be resultant? 20 newton or 50 newton hai, to keh raha hai ki kaun sa resultant nahi ho sakta, to maine aapko bataya tha maximum resultant kya hoga jab aap inko add kar denge, 50 plus 20 would be 70, aur minimum resultant kya hoga jab aap inko subtract kar denge, so 50 minus 20 would be 30. ab jo resultant hoga wo is range ke darmiyan lie karega, तो 30 भी लाई कर रहा है, 40 भी लाई कर रहा है, 70 भी लाई कर रहा है, 20 इस रेंज में लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब 20 न्यूटन कैन नॉट बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। इफ द डॉट प्रोडक्ट, 10th, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज जीरो, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है नॉन जीरो वेक्टर्स का, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा ए बी। वो क्यों होगा, क्योंकि अगर ये जीरो है तो इसका मतलब एंगल 90 है, क्योंकि कॉस ऑफ 90 जीरो आता है, तो अगर एंगल 90 है तो साइन ऑफ 91 आता है। सो फॉर जीरो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स द क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड इज मैक्सिमम। ये आपका 10th नंबर पॉइंट आ गया। 11th करें, टाइम है 10 मिनट है जी। 11th, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 16 न्यूटन। 16 न्यूटन जो है, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड है 16 न्यूटन। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, देन द फोर्स इज आर। तो देखिए आपका रिजल्टेंट है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है स्मॉलर फोर्स के, ये स्मॉलर फोर्स है, तो दूसरा फोर्स एग्जैक्टली ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये फोर्स 1 है, ये स्मॉलर फोर्स है और ये लार्जर फोर्स है, ये इसका रिजल्टेंट है। तो हाइपोटेन्यूस जो है आप उससे फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, कि जो एल स्क्वेयर्ड है दैट वुड बी आर स्क्वेयर्ड प्लस एस स्क्वेयर्ड, लेकिन आपके पास आर स्क्वेयर्ड तो है, तो आर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अंडर द रूट, तो लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स का स्क्वायर। तो देखिए इसमें जब आप एक ऑप्शन देखते हैं 10 और 6 का, सो 10 लार्जर है कि नहीं है, 10 लार्जर है, सो 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर अंडर द रूट, सो 10 टेंस आर 100 माइनस 36 इज 64 और इसका रिजल्टेंट 8 आ गया कि नहीं, तो ये इसका ऑप्शन है। अगर दूसरा ऑप्शन अगर आप लेट से कंसिडर करते हैं 4 और 12 यूनिट, चले तो अगर इसको आप 12 करते हैं, 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होल अंडर द रूट, सो इससे 8 नहीं आता है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है। 12, फाइंड द मास ऑफ द अनइवन रॉड इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 14 सेंटीमीटर। सो 12th नंबर करें जरा जल्दी से, मास आपका एक अनइवन रॉड आपको गिवन है जी, एक अनइवन रॉड, तो अनइवन जब होगा, जब इवन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या होता है जी, सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे होता है, लेकिन जब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अब इधर मास ज्यादा है इधर कम है, तो मास आपका सेंटर ऑफ मास आपका थोड़ा सा इधर होगा जी, टुवर्ड्स द हेवियर साइड, तो जो मास है वो इधर एक्ट करेगा,
मास आपका इधर एक्ट करेगा जो कि अननोन है, और ये जो है इस बैलेंसिंग पॉइंट से इधर एंड ए से ये 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, इधर एक पीवट है जो कि 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, और इधर जो है एक मास है जो कि 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कितना है 80 ग्राम का मास है। तो अब देखिए मास कैलकुलेट करना है जी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, चले एक्सिस ऑफ रोटेशन आप जिसको भी मानते हैं, लेट सपोज आप इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मानते हैं जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक हो गया। तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये नहीं, ये क्लॉकवाइज करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कौन सा है जी, क्लॉकवाइज है, 80 ग्राम का मास है और 20 इसका डिस्टेंस है इधर से, और इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, ये वाला करेगा कि नहीं। तो मास इसका जो है वो अननोन है, और डिस्टेंस इसका कितना है, 30 माइनस 14 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो 16 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है। सो 8 2s आर कितना आता है जी, 1600 आता है कि नहीं आता, डिवाइडेड बाई 16 करें तो मास आपके पास जो है वो 100 ग्राम इस रॉड का मास आ गया। 13 कह रहा है कि द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म रॉड और मिड पॉइंट उस पर पीवट है, तो कौन सा जो है वो इक्विलिब्रियम में है। सो 13 में आपसे इक्विलिब्रियम पूछ रहा है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो देखिए एक इस तरह है, सेंटर पर पीवट है, तो क्या ये अगर दोनों फोर्सेस इक्वल है तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है जी नेट, ठीक हो गया। सिमिलरली दूसरा आपको शो कर रहा है जी, ये पीवट है, एक फोर्स पीवट पर है, एक इधर है, तो इस ये तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन ये वाला तो करेगा ना, बिल्कुल करेगा, तो इसका मतलब इसमें नेट क्लॉकवाइज टॉर्क है। अब सी ऑप्शन जो है तो वो इस तरह है जी, ये पीवट है, ये एक फोर्स है और ये इक्वल फोर्स है इधर एफ और एफ, तो देखिए जितना टॉर्क ये प्रोड्यूस कर रहा है उतना टॉर्क ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम में है, फोर्सेस भी इक्वल है और ये इनका डिस्टेंस भी इक्वल है, क्योंकि पीवट आपको गिवन है कि ये मिड पॉइंट के ऊपर है, तो ये सी ऑप्शन आ गया। 14 कह रहा है ए डॉट बी और ए क्रॉस बी कब इक्वल होते हैं, 14 ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी कब होगा, तो आपको पता है 45 डिग्री पे होगा, लेकिन चले ये होगा जी ए बी कॉस ऑफ थीटा इज ए बी, ये होगा साइन ऑफ थीटा, ए बी के साथ कैंसिल, कॉस बाई साइन या साइन बाई कॉस, टेंजेंट होता है कि नहीं होता, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज टेंजेंट इन वर्स ऑफ 1, थीटा इज 45 डिग्रीज। आप इधर से भी कह सकते हैं कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा, के कॉस ऑफ 45 इज इक्वल टू साइन ऑफ 45, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 15th, what is the net torque of the wheel radius 2 meter? 15th, radius आपको क्यों है जी, 2 meter है, ये एक steering wheel है या जो भी है, इधर 10 newton का torque लग रहा है, force लग रहा है 10 newton का, और इधर 5 newton का torque लग रहा है, force, तो कह रहा है net torque इसमें कितना होगा, तो देखिए radius का मतलब है कि ये है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, अगर लेट से ये आपका मिड पॉइंट जो है इसको मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन मानता हूं, तो देखिए ये 10 न्यूटन वाला क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, सो क्लॉकवाइज वुड बी 10 इंटू 2 और इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज कितना है जी, 5 न्यूटन वाला एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करे, इसका मोमेंट आर्म भी 2, सो दिस इज 20 न्यूटन मीटर और दिस इज 10 न्यूटन मीटर, तो इस 20 में से जो 10 है वो उसका इफेक्ट कैंसिल कर लेगा और जो नेट टॉर्क आपके पास रह जाएगा नेट वो होगा जी 10 न्यूटन मीटर इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि इसमें 20 न्यूटन मीटर का था, सो 10 ने उसको बैलेंस कर दिया और 10 आपके पास रह गया, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख्याल में टाइम ज़रा सा ज़्यादा हो गया है जी, और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आपको समझ आई होगी जी, ज़रा सा मैंने स्पीड रखा, लेकिन स्पीड के बगैर ये होता नहीं है। तो ये MCQs थी जी, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।